जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे PKS साधना चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा साधना लेकर आए हैं। ये साधना है एक दौलत परी की। ये दौलत परी को आप एक दिन में दर्शन दे सकते हैं। आपको एक दिन में ये हाजिरी देगी और इस अमल में एकदम आसान तरीके से। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अमल की ओर। सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि इस अमल का इजाज़त तो लेना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इजाज़त के लिए फटाफट चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और आपको हमारी ओर से इजाज़त मिल जाएगी इस अमल को करने के लिए। तो हम बता दें कि इस अमल को कौन कौन भाई कर सकते हैं। इस अमल में 12 साल से ऊपर के बच्चे भी कर सकते हैं और लास्ट जाके उम्र आपको 60 बरस से नीचे के आदमी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बता देते हैं इस साधना को किस टाइम करना है। इस साधना को 9 बजे के बाद और 12 बजे के पहले इस साधना को आप कभी भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं क्या क्या करना है। और एक चीज़ हम आप लोग को बता दें कि जिसे भी परी ट्रांसफ़र चाहिए वो हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि अभी इस दिवाली में परी ट्रांसफ़र चल रहा है सिर्फ 30 मिनट में, आधा घंटा का परी ट्रांसफ़र है। तो जिसको भी लेना है तो इस नंबर पर कॉल करें, ठीक है ना। या कोई साधना करना चाहते हैं तो हमारे मार्गदर्शन में दिवाली के दिन कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा साधना है कि इसमें आपको रूहानी ताकत बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके अंदर रूहानी ताकत होगी वही उसी के अंदर ही मतलब कि ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो अमल को क्या करना है कि आपको रात में एक ऐसा रूम ले लेना है या एक ऐसा जगह ले लेना है जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और वहाँ पे जाने के बाद आपको इत्र से मुत्तर कर देना है, गुलाब का इत्र हो चाहे हीना का इत्र हो। 7 अगरबत्ती बार लें और एक नया दिया बार ले सामने और उस दिए के अंदर कड़वा तेल, ठीक है ना, सरसों का नहीं, कड़वा तेल से उसको रोशन करें और अच्छे से और सफ़ेद मोमबत्ती से उसको रोशन करें। उसके बाद आपको वहीं पे बैठ जाना है, आँख बंद कर लेना है और जो ये स्क्रीन पर ये जो इबारत आपको दिख रहा है इस इबारत को 121 मरतबा बोलना है, 121 मरतबा। तो 121 मरतबा आपको इस इबारत को बोल लेना है। उसके बाद आपको आँख खोलने के बाद उस दिए को अपने हाथ में ले लेना है और उस दिए को लेकर 3 बार ये मंत्र बोले, दौलत परी हाजिर हो, दौलत परी हाजिर हो, दौलत परी हाजिर हो। जैसे ही आप इस मंत्र को 3 बार बोलेंगे उस दिए के अंदर से पहले तो आपको एक भयानक चीज दिखेगी, उसके बाद अंदर से एक लड़की निकलती हुई हंसती हुई आएगी। वो दौलत परी आपसे पहले पूछेगी तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो आप उससे बोले कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये इतना चीज बोलने के बाद आप उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लें और वो आपको कोई शरायत भी रख सकती है तो उसका शरायत ना माने, ठीक है ना। तो यही आज का साधना था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को आगाह कर दूं कि इस साधना को आप अकेले कीजिए, किसी से ना बताइए और हर सामग्री नया लें, नहा धुला कर करें और किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही ये साधना करें। क्योंकि मैं जितने भी YouTube चैनल पर आसान आसान सा विधि लेकर आता हूँ उतना ही उसमें रूहानी ताकत का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मेन हमारा साधना का होता है रूहानी ऊर्जा, जो कि ऊर्जा नहीं होती है तो आदमी का मुकम्मल अमल भी नहीं हो पाता है। तो अगर कोई आदमी चाहे अगर अपने अंदर ऊर्जा लगवा मतलब डलवाने के लिए, रूहानी ताकत बढ़वाने के लिए, तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई भी मसला हो तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं। बाकी तो हमने पूरी विस्तार रूप से आपको बता दी है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो व्हाट्सएप पर हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। जी नमस्कार, जय माता दी।